फ्रेंड्स, मैं सजरा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिग क्रिटिकल। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ पकौड़े की रेसिपी। ऐसे वैसे नहीं, चिप्स के पकौड़े की रेसिपी। रेसिपी पास होगी या फिर वो वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ वीडियो को ढेर सारा शेयर करना है। वे जिन लोगों को रेसिपी अच्छी नहीं लगती उन लोगों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि गाइस हम लोग हमें चुगली करने में ज्यादा मजा आती है ना, तो आपको चुगली करनी है मेरी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो गाइस, जैसा कि आपने जाना कि आज हम बना रहे हैं चिप्स के पकौड़े, तो इसमें हम बेसन का यूज नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैदा यूज करूंगी, तो गाइस मैदा भी यूज नहीं कर रही हूँ, तो कॉर्नफ्लोर ना कॉर्नफ्लोर भी नहीं। तो भाई यूज क्या करूंगी, क्या वो चलेगा वीडियो के आगे पता, तो चलिए वीडियो देखिए ना। तो अब हम देखेंगे ये चिप्स के पकौड़े बनाने के बाद भी क्या ये चिप्स उतनी ज्यादा क्रंची और टेस्टी रहते हैं। तो आज हम बनाएंगे चिप्स से पकौड़े। गाइस, पहले ये रेसिपी मैंने बनाई नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले से नहीं बता सकती हूँ कि ये रेसिपी परफेक्ट बनेगी या नहीं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि रेसिपी परफेक्ट बनी है या नहीं। आज हम चिप्स के पकौड़े बनाएंगे दो तरीके से, तो चलिए पहला तरीका शुरू करते हैं। इसमें हम खुद चिप्स बनाएंगे, तो मैंने आलू को छील लिया है और अब हम इसे चाकू की मदद से एकदम पतला पतला काट लेंगे। जितना पॉसिबल हो आपको उतना पतला इसे काट लेना है, एकदम चिप्स की तरह। तो जो बातें मुझे पता है वो मैं आपको बताते चलती हूँ, और जो मुझे खुद ही पता नहीं है एंड में मुझे पता चलेंगी, तो वो आप भी एंड तक देखिए। तो गाइस देखिए, मैंने एकदम ने पतला पतला काट लिया है और गाइस सिर्फ छोटे छोटे दो आलू में हमारे इतने सारे चिप्स बनके तैयार हो गए हैं। तो इन चिप्स को डाल देना है हमें पानी में, जिससे कि ये काली भी नहीं पड़ेंगी और इनका स्टार्च भी रिमूव हो जाएगा। याद रखना है, हम चिप्स के पकौड़े बना रहे हैं तो ये एकदम पतली होनी चाहिए इस तरह। तो गोल बनाने के लिए इधर हम यूज कर रहे हैं आटा। जी हाँ, आटे से आज हम पकौड़े बनाएंगे। और इसके साथ ही साथ मैंने डाला है इसमें सिर्फ एक छोटा चम्मच बेसन। अगर आपके घर में बेसन नहीं है तब भी आप इन पकौड़ों को सिर्फ आटे की मदद से बना सकते हैं। मैं इधर डाल रही हूँ एक चौथाई चम्मच नमक। नमक थोड़ा हमें अभी कम डालना है। आधा छोटी चम्मच डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर। नमक हमें क्यों कम डालना है वो अभी बता रही हूँ आपको। क्यों? इसमें हम डालेंगे एक चम्मच भर के चाट मसाला। तो फ्रेंड, चाट मसाले में भी नमक होता है, हम पहले नमक ज़्यादा डाल देंगे तो ये नमक ज़्यादा हो जाएगा। और अब हम इसका पानी डालकर घोल बनाएंगे। तो अब घोल कैसा चाहिए है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। घोल तो बना लेंगे, पर इसमें पीला कम लग रहा है ना, तो मैंने इसमें डाल दिया आधा चम्मच हल्दी और अब इसे फेंट लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी और ऐड करूंगी, क्योंकि ये जो हमारा बैटर है वो काफ़ी गाढ़ा है। और अब इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है और हमें इस तरह का घोल चाहिए, एकदम पतला। नहीं समझ आया? वेट, हमें लेना है एक चिप्स और इसे डालना है इस तरह। अगर चिप्स अच्छे से कोट हो जा रही है तो बढ़िया है, और जो हमारा घोल बना है वो भी एकदम बढ़िया बना है। अगर घोल पतला है तो आप उसमें थोड़ा सा आटा मिला दें, और अगर आपका घोल अभी भी गाढ़ा है आपको लगता है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी मिला दें। और अब पानी था उसमें से हमने चिप्स को निकाल लिया है और इस तरह बैटर में डाल दिया है। बाउल में बैटर में जितने चिप्स डालते हैं आपसे बन सकते हैं, तो आप उन्हें चिप्स को इस तरह बैटर में डाल दें और 1 से 2 मिनट पड़ा रहने दें, जब तक हम कढ़ाई में तेल गर्म करते हैं। तेल को हमने गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। मैं इधर सरसों का ऑयल का यूज कर रही हूँ, आपके घर में जो भी ऑयल हो आप उसे यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें एक एक करके चिप्स डालेंगे। तो फ्रेंड, जब भी आप चिप्स के पकौड़े बनाएं तो इससे आप अपने बैटर को इतना ही पतला रखें। बैटर को पतला रखेंगे उससे होगा क्या कि जो हमारे चिप्स हैं वो एकदम करारे बनेंगे। तरह से कढ़ाई में जितने चिप्स बनते हैं हमें उतने चिप्स डाल देने हैं। थोड़ी देर बाद वेट करना है और इसके बाद हम इन्हें दूसरी तरफ पलट देंगे। तो गाइस, जब हम किसी चीज़ को सेकते हैं या तलते हैं तो सवाल आता है कि हम इस चीज़ को कितने फ्लेम पे सेकें। तो फ्रेंड्स, आपको इन चिप्स को सेकना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। आप हाई टू मीडियम फ्लेम की किसी भी फ्लेम पे इन्हें सेक सकते हैं। जब तक कि ये एकदम बढ़िया करारे और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं तब तक आपको इन्हें सेकते रहना है। आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन चिप्स के पकौड़ों को सेकने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। इसी तरह सारे पकौड़े आप सेक के तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स, अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि अगर हम मार्केट के चिप्स से ये पकौड़े बनाएं तो कैसा बनेगा। चलें ट्राई कर लेते हैं। जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं तो उसमें ज़्यादा पैसे बर्बाद क्यों करना। तो गाइस, मैंने लिया इधर 5 रुपए के चिप्स के पैकेट को खोल के इस तरह डिप करके इसे कढ़ाई में डाल दिया है। हमें इन चिप्स को भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे सेक लेना है, और इस तरह आपको जितने भी चिप्स सेकने हो इस तरह डाल के आप इन्हें कढ़ाई में डाल दें, और जब तक सवर रखना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और इन्हें पलटते रहना है।
तो हमारे पकौड़े कब सिक गए हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि कढ़ाई में बबल्स आने बंद हो गए हैं तो आपके चिप्स समझ लीजिए पक गए हैं। तो ये गोल्डन ब्राउन भी हो गए, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके सवर का फिल मिलने वाला है। अब आप देखेंगे कि ये चिप्स के पकौड़े बन के पास हुए या फेल, तो चलिए देखते हैं। वाह यार, ये तो एकदम क्रंची है, ये तो पास हो गए। तो गाइज मैं आपको कह सकती हूँ पूरे कॉन्फिडेंस से कि आप ये घर में बना के ट्राई कर सकते हैं। ये चिप्स के पकौड़े बनाए थे हमने, घर में चिप्स बनाए थे और ये भी एकदम कड़क बने हैं। खा के दिखाऊं? वाह वाह, आपको सिर्फ ये सुनना है कि चिप्स कितने करा रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।